मैं महेंद्र सिंह, अमरनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा से फिजिकल एजुकेशन टीचर। आप लोगों को पुनः एक बार मैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें मैंने आप लोगों को ये थर्ड टॉपिक हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूर्नामेंट कमिटीज। रियल में टूर्नामेंट कमिटीज होती हैं, उनके अनेक वर्ग होते हैं, टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बाद में। तो आज मैं आप लोगों को जितनी भी टूर्नामेंट कमेटीज होती हैं, उन कमेटीज के जो मेंबर्स होते हैं, उनको तीनों तरह से जो काम अलग अलग समय पर जो करने पड़ते हैं, आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहला जो टॉपिक हमारा वह है प्री टूर्नामेंट, अर्थात टूर्नामेंट से पहले आप लोगों को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। पहला टॉपिक आता है, इसी के जो सब हेडिंग्स है वह है अपना बजट, अर्थात आप जो टूर्नामेंट करने जा रहे हैं वो टूर्नामेंट किस लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, रीजनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, या नेशनल या इंटरनेशनल, और उस टूर्नामेंट में कितनी टीमें आपने कॉल की हैं, सप्लाई गई हैं, वो गर्ल्स बॉयज कंबाइंड है या केवल बॉयज का ही है, किस लेवल का है, अर्थात वो अंडर 14 ईयर का है, अंडर 16 का है सब जूनियर, या जूनियर अंडर 19 का है, या सीनियर ओपन वर्क का है। ये जो भी अपना कैडर है, लेवल है बच्चों के अकॉर्डिंग, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे पहले उसमें अपना बजट रखना पड़ता है। तो बजट का अपना एक निश्चित दायरा होता है, हम अपने बजट को बहुत अधिक भी नहीं खींच सकते। मालूम पड़ा कि आपने जो टूर्नामेंट कराया और वो डेफिसिट में गया, घाटे में गया, तो हमें अपनी एक बाउंडेशन होती है, उस बाउंडेशन में रह के ही अपना टूर्नामेंट कराना पड़ता है। तो अपना एक बजट निर्धारित होता है, उस बजट के अकॉर्डिंग जो पास होता है, जो हमारे टूर्नामेंट कमेटी के मेन फाइनेंसर्स होते हैं या जो हेड होते हैं, वो आपको पहले ही कंप्लीट कर देते हैं कि हमें इतने बजट में ही टूर्नामेंट करना है। तो पहला वो वर्क होता है प्री, वह है टूर्नामेंट का बजट। सेकेंड इसमें आता है पॉइंट कि आप लोग जितनी टीमों को आप बुला रहे हैं, उनको पहले आप इंटीमेट करिए कि हम अपने जनपद में इस ग्राउंड पर इस डेट से डे नाइट है या डे का है, उस टूर्नामेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप अपनी जो भी टीम है उसको आप हमारे यहाँ भेजिए, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में भेजिए बच्चों के, खिलाड़ियों के, जिससे हम टीम को निश्चित कर सकें कि हमारे टूर्नामेंट में कितनी टीमें आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं। तो टीमों को पहले इंटीमेट करना, बजट, देन टीमों को इंटीमेट करना, देन उसके बाद में फिर आता है अपने जो भी वेन्यूज हैं, वेन्यूज जो होते हैं उनको आप पहले निश्चित करिए कि हम किस ग्राउंड पर टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट के जो भी ओनर होते हैं, जो भी कॉलेज है, स्कूल है, स्टेडियम है, उन वेन्यूज के पर्सन में जा रहे हैं, उनसे आपको पहले रिटर्न में उस डेट की कब से कब तक टूर्नामेंट करना है उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है। इसके बाद में एक अलग से आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं टूर्नामेंट आपको सहयोग करेंगे, उन सभी सहयोगी पर्सन से, अर्थात टूर्नामेंट में जो आपके कलीग्स हैं और जितने ऑफिशियल्स हैं, उन सभी के लिए एक अलग से कमेटी बनानी पड़ती है। जो एक आप फॉर्म करिए टूर्नामेंट कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन से लोग रहेंगे उसमें, कौन क्या वर्क करेगा, तो फॉर्मेट और टूर्नामेंट कमेटी दें। इसके अलावा जो अपने ऑफिशियल्स हैं, जिनको आपको एम्पायर हैं, रेफरीज हैं या अदर पर्सन हैं, उन सभी को पहले ही प्रायर इंटीमेट करना होता है कि भाई आप लोग टूर्नामेंट में आइए, टूर्नामेंट हमारा ये वेन्यू है, इस डेट में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप लोग इस डेट तक आप यहाँ आइए। तो वो अपने जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी प्रायर टूर्नामेंट से ही इंटीमेट करना होता है, जिससे वो टाइम से अब टूर्नामेंट में आ जाएं और आपके टूर्नामेंट को सक्सेस कराएं। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में चीज जुड़ी रहती है, जो टूर्नामेंट की टीम्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, और या जो साथ में टूर्नामेंट के मैनेजर
जो कोचेज जो आते हैं उन सभी को ठहरने का स्थान निर्धारित करना, अर्थात आप लोगों ने गेस्ट हाउस हैं या जो धर्मशाला हैं या अन्य जहां आप होटल्स आदि करते हैं तो पहले ही बुक कर दें आप, जिससे आपको टूर्नामेंट कराने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो, और पहले से ही उनके जो एडवांस हैं वो दे दें। इसके अलावा जो पैर टूर्नामेंट्स पहले ही टेंट, लाइट, माइक, अन्य जो व्यवस्था होती हैं उसको आप पहले ही आप कर दें निश्चित, जिससे वो टाइम से आके अपने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा सकें। इसके अलावा जो ग्राउंड से रिलेटेड है चीजें, ग्राउंड जो करने के बाद में आप ग्राउंड को प्रिपेयर करना होता है, अर्थात ग्राउंड की जो मार्किंग्स होती हैं, उसमें नेट व्यवस्था नेट है या इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी को आप परचेज कर लिए पहले ही, क्योंकि टूर्नामेंट संबंधित जो सामान होता है वो पहले ही आपको खरीदना पड़ता है, जिससे समय आने पर तुरंत जहां नीड हो उस सामान को दे दिया जाए। और ये परचेजिंग, ग्राउंड आदि ये सभी चीजें पहले से ही करनी पड़ती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है अगला, वह है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट की ओपनिंग से लेकर समापन से पहले तक जो भी वर्क होते हैं वो कहलाता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क। अब वो जो वर्क होते हैं, आप ओपनिंग सेरेमनी में पहले ही आप जो भी आपका चीफ गेस्ट है, जो भी आप उसको बुला रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पहले ही प्री टूर्नामेंट में ड्यूटीज में आप अपॉइंट कर देंगे, भैया हमारे टूर्नामेंट में ओपनिंग में आएंगे, और उनको पहले ही कन्वे कर देंगे। देन तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट में फर्स्ट डे जब ओपनिंग होगी उस ओपनिंग में आप लोगों को उनको पहले कन्वे करना है कि हमारा ये टाइमिंग है और इस टाइम में आपको जो चीफ गेस्ट है उनको आप पहले या तो उन्हें बुलाने किसी को भेजिए या वो कहें अगर मैं टाइम से आ जाऊंगा तो आपके वहाँ वेलकम कमेटी तैयार है उस चीज के लिए। इसके अलावा डेकोरेशंस एंड फंक्शंस का जो वर्क होता है कमेटी का, वो ओपनिंग सेरेमनी में आप कौन से कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहाँ कितने बच्चे आएंगे कल्चरल प्रोग्राम में, या टीम का वहाँ जो खड़े होने का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या रहेगा, या टीमें जो अपने फ्लैग लेकर आएंगी वो कहाँ खड़ी होंगी। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो आपका डेकोरम होता है वो फर्स्ट डे आप वहाँ डिपोर्ट कर दें और वहाँ आपकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। देन उस ओपनिंग में जहां पर आपको किसी जो वीआईपी हमारा है या अन्य जो हमारे अदर वीआईपी सेमी वीआईपी होते हैं उन सभी को बोलने के लिए कहेंगे आप लोग, तो पहले ही ये आप बता दीजिए, वहां टूर्नामेंट संबंधित जो भी जानकारियां होती है वो दीजिए, और उस टूर्नामेंट में रिलेटेड जितने भी अदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो सभी लोगों को आप यहाँ कॉल करिए, जिससे वो आप लोगों के ओपनिंग सेरेमनी का जो भी प्रोग्राम होता है उसको वो आप हाईलाइट कर सकें। और प्री टूर्नामेंट में ये वर्क होता है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस टूर्नामेंट की पहले ही प्रिंट मीडिया में ये आप आउट कर दें कि हमारी टीमें आ रही हैं, और ओपनिंग वाले दिन आप प्रिंट मीडिया और अदर जो हमारे प्रेस मीडिया के कमेटी के लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कमेटी होती हैं, वो कमेटी के लोगों को बुलाकर उचित स्थान देते हैं और वहां से वो सारी जानकारियां फर्स्ट डे की देते हैं। देन आप लोगों की अब यहां से आता है टूर्नामेंट का जो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट डे की, ओपनिंग में जो टीम पहले कौन सी मेन खेलेगी उनको प्रायर टूर्नामेंट आप लोगों को फिक्चर्स, वो फिक्चर्स नॉकआउट है या लीग है या कॉम्बिनेशन है किस तरह का है, उस टूर्नामेंट की सभी जानकारियां रिटर्न में अपने कोचिज या टीम मैनेजर्स, कैप्टन से उस शेड्यूल पर साइन कराने होते हैं, और एक कॉपी उस कैप्टन या टीममेट को दे दी जाती है, जिससे जो हमारा टाइम है उस टाइम में वो टीमें वहां पर पहुंच जाए, जिससे उस मैच में स्टार्ट होने में कोई समस्या ना आए, कि वहां जो ऑफिसर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैच को स्टार्ट करते हैं, जिससे टाइम उनका वेस्ट नहीं जाएगा और टाइम टीमें पहुंच जाएंगी और इजीली आपका जो फंक्शन है इजीली स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे टीम ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ अगर मैच हो रहा फुटबॉल का, तो फुटबॉल मैच में जो मार्किंग हो रही होती है ऑफिसर वो चेक करते हैं कि जो हमारी मार्किंग है वो सही है, नेट है वो सही है, गोल पोस्ट सही है, फुटबॉल आज के पहले ही चेक कर लेते हैं, देन मैच स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट में ये जो सामान होता है वहाँ ऑफिसर लेने के बाद तुरंत मैच स्टार्ट करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे है कि नहीं, या हमारे पास में जो
स्कोर बोर्ड होता है या स्कोरिंग सीट होती है, स्कोर बोर्ड अलग से तैयार होना चाहिए, स्कोर बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक है या अलग से स्टैंड पर कोई ब्लैक बोर्ड वाला है, या आप जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनमें से स्कोर सीट की स्कोरिंग करते हैं, तो स्कोर सीट पर प्रॉपर स्कोरिंग होनी चाहिए। जो हमारे जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उन्हीं में से ही एक लोग होता है जो पर्सन जो आपकी टेक्निकल जानकारी रखता हो वही वहां पर स्कोरिंग कर सकता है। अदरवाइज अदर कोई जो सेकंड पर्सन वो स्कोरिंग नहीं कर सकता जिसको जानकारी नहीं होती है। जितने भी अदर ऑफिसर्स होते हैं उनमें टाइम कीपर्स है, स्कोरर्स है, या प्लेयर जो चेंज होते हैं उसके बारे में जानकारियां हैं, या कोई अदर टेक्निकल लोग होते हैं, वो सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। और जो टीम आती है वो टीम पूरी यूनिफॉर्म में आए, कोई भी इनडिसिप्लिन होने पर जो आपकी टेक्निकल डिसिप्लिन कमेटी है वो वहां हर समय विजिट करती रहे वहां पर। इसके अलावा कोई टूर्नामेंट के दौरान कोई भी मिस अपनी कोई ऐसा चोट वगैरह लगती है तो वहां पर फर्स्ट एड की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ड्यूरिंग टूर्नामेंट में आप लोगों के पास में फर्स्ट एड एवरी टाइम वहां मौजूद रहे, जो भी वहां पर्सन डॉक्टर्स आदि हैं वो वहां रहें, उनका सामान पूरा है कि नहीं है ये चेक करते रहे वहां पर, और जो भी लाइनमैन्स हैं अदर पर्सन्स हैं वो वहां अवेलेबल रहें, और मार्किंग के लिए प्रॉपर चूना है या अदर जो मार्किंग के लिए चीजें हैं वो वहां अवेलेबल हों। इसके अलावा जो अनाउंस में जो हमारी टिक टीम कमेटी होती है, इसमें होती है अनाउंसमेंट कमेटी, उसमें लाइव टूर्नामेंट अगर दिखा रहे हैं या वहाँ माइक पर अनाउंस हो रहा है तो जो हमारी एक कमेटी है अनाउंसमेंट कमेटी उसके पर 2-3 लोग होने चाहिए, उसमें अनाउंस प्रॉपर इतना होना चाहिए कि अगला मैच किसका होना है, अभी इस मैच में स्कोर कैसा रहा है, इस मैच में क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो स्कोरिंग टाइम टाइम होती रहे। ड्यूरिंग टूर्नामेंट में हमारे स्कोरर हैं, हमारे अनाउंसमेंट बूथ के लोग हैं, फर्स्ट एड के लोग हैं, टेक्निकल ऑफिशियल डेलीगेट्स हैं, और जहां पर हमारे पब्लिक के लोग जिनको हम लोगों को खेल को प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर टाइम से जाके बैठे हैं वहां पर। और ये सभी चीजें ड्यूरिंग टूर्नामेंट कोई कमी ना रहे और हमारा टूर्नामेंट प्रॉपर आराम से चलता रहे, ये हमारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट के कुछ वर्क होते हैं। लास्ट में होता है हमारा पोस्ट टूर्नामेंट, अर्थात टूर्नामेंट के लास्ट दिन से और बाद तक जो हमारे फंक्शन रह जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं अब बात करते हैं उनके बारे में। नंबर थर्ड, तो पोस्ट टूर्नामेंट में जिस दिन क्लोजिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी में सारे मैच खत्म हो चुके होते हैं तो अंत में हम टीमों को रनर विनर की सीट देते हैं, और सील्ड के अलावा जितने भी इंडिविजुअल प्राइज होते हैं वो दिए जाते हैं। जो भी हमारी टीमें पार्टिसिपेट करने आती हैं उन सभी टीमों को हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं या कोई भी कंसोलेशन प्राइज वगैरह या कुछ अचीवमेंट वगैरह देते हैं उन लोगों को, जिससे वो निराश ना हो प्लेयर हारने वाले भी हैं। इसके अलावा जो हमारा वीआईपी गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनको भी कुछ मोमेंटोज आदि दिए जाते हैं, वो वहां समय के अकॉर्डिंग वहां भी दिए जाए। जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद में अनेक काम और बचते हैं, उसमें प्रेस मीडिया को सारे टूर्नामेंट की एक समरी उनको रिपोर्ट कर दें, ओपनिंग से लेकर लास्ट डे तक की, उसमें हमारी कितनी टीमें आई थी, कितनी टीमों ने भाग लिया था और कौन उसमें विनर रहा, लास्ट ईयर कौन विनर था हमारा और क्या परफॉर्मेंस था टीमों का, और आगे भविष्य में टूर्नामेंट के बारे में और भी जो कुछ लिखना चाहें वो लिखिए। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको आप कन्वे करिए। इसके अलावा जो हमारे वहाँ गेस्ट हैं वेलकम कमेटी उनको तुरंत डिस्पर्स करने के बाद में उनको छोड़ने जाए, और जो भी हमारे अब वर्क हैं हमारे जो हमारे पंडाल वगैरह है या ग्राउंड में जो हमारे इक्विपमेंट वगैरह हैं उनको आप कलेक्ट करिए। सामान कलेक्ट करने बाद में टेंट लाइट माइट का जो भी आपका सामान है कलेक्ट करने बाद में उनकी जो पेमेंट आदि है वो आप पेमेंट करिए कराइए आप, और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको आप जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो अमाउंट है ये निश्चित अमाउंट होता है सभी ऑफिस डेलीगेट्स का उन सभी का आप पेमेंट को पेड करिए आप, और जो हमारे अदर ऐसे वर्क होते हैं उन सभी जो हमारे वर्क में पेमेंट करने से रह जाते हैं उन सभी का पेमेंट लास्ट में पोस्ट टूर्नामेंट में रह जाता है उनको पेमेंट करिए आप। जो भी हमारे गेस्ट हाउस हैं ये हमारे जो बसेज वगैरह जो हमारे टीमों को लाने ठहरने के लिए व्यवस्था करती हैं उनका पेमेंट है,
उस पेमेंट करिए, और लास्ट में जो हमारे बजट कमेटी मेंबर्स हैं वो पूरा बजट बना के रखिए कि हमारे टूर्नामेंट में कितना खर्च हुआ, और बाद में सभी टूर्नामेंट लोग बैठ कर उस बजट को चर्चा करते हैं आगे भविष्य में टूर्नामेंट के बारे में क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, और देन उस टूर्नामेंट के बारे में एक कंक्लूजन रिपोर्ट बनाई जाती है जो आगे टूर्नामेंट कमेटी को प्रेषित की जाती है।